कैथोड रे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे ट्यूब लिख लो, बेटर है. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है. ये आपका कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है. इसको एक और नाम से भी जाना जाता था, जिसको कहा जाता था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. क्या बोला जाता था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. चलो इसको समझते हैं. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि है क्या ये, क्यों है ये, किसने किया था ये, है ना. तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, ये दिया था जे जे थॉमसन ने. ये किसने किया था? जे जे थॉमसन ने, ठीक है. जे जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको आप सीआरटी एक्सपेरिमेंट भी कहते हो, या फिर आप उसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हो. जे जे थॉमसन ने इसके थ्रू किसकी डिस्कवरी की थी? उन्होंने डिस्कवर किया था ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है. अब इतना अभी तक समझ आएगा, आगे कैसे किया था अब वो समझेंगे, ठीक है. इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो चलो यार डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम में क्या होगा ध्यान से समझना. अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये देखो यार, यहां पर उन्होंने क्या किया, इस तरह से एक, देखो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, बट आई एम ट्राइंग कि तुम्हें सब चीजें समझ आ जाए, ठीक है. तो कुछ इस तरह से, इस तरह से एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है. यहां पे क्या था, यहां पे एक वैक्यूम पंप था, ठीक है. समझ लो इसको, इसको कहा था इन्होंने वैक्यूम पंप, परफेक्ट. अब उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने दो ट्यूब्स लगाए, ठीक है. अब इसके पीछे यहां पर, यहां पर पिंक कलर से शो कर देती हूँ, ये उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ठीक है. ये क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन. अभी हर चीज का मतलब समझ आएगा. फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है. ये उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई. अब उन्होंने क्या किया, यहां से, यहां से, राइट. अब ये आपका इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है. ये क्या है? हाई वोल्टेज बैटरी है. ये आपकी हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, परफेक्ट. ये क्या होगा, यहां पर अगर आप ये देखोगे तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये होगी आपकी कैथोड और ये होगा आपका एनोड. इतना समझ आया? चलो समझते हैं यार, इसको थोड़ा सुंदर बना देते हैं. ऐसे किया, फिर ऐसे किया और यहाँ पे एक छोटा सा होल डाल दिया, ठीक है. अब समझो क्या हुआ. ये क्या है, ये काफी बुरी सी ड्राइंग है मैम की, लेकिन बेयर विद इट, क्योंकि मैं समझा दूंगी, ठीक है. बाकी आप ऑनलाइन देख सकते हो, प्रॉपर जो आपका सीआरटी एक्सपेरिमेंट के लिए जो मॉडल यूज किया था वो आप सुंदर तरीके से कैसे था वो आप ऑनलाइन देख लेना. अभी मैम ने ऐसी ड्राइंग बना दिया. मेन जो चीजें हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दी हैं. अब हुआ क्या, ध्यान से देखो यार, यहाँ पर कुछ गैस प्रेजेंट होगी, हर जगह होती है. अगर इस रूम में भी देखोगे तो गैसेस प्रेजेंट है, यस. तो अब उन्होंने इसके लिए यहाँ पर एक वैक्यूम पंप यूज किया. वैक्यूम पंप क्या करता है, सारी की सारी गैस को बाहर निकाल देता है, ठीक है. अब वो वैक्यूम पंप कोशिश करेगा कि सारी की सारी गैस को बाहर निकाल दे, लेकिन बिल्कुल जीरो तो कुछ भी नहीं कर सकता. आइडियल केस सिनेरियो तो कहीं भी नहीं होता है, राइट, कि पूरा का पूरा गैस बाहर आ जाए. यानी कि बहुत ही कम, कुछ कुछ गैस जो है वो यहाँ पर रह जाएगी. यानी कि मैं बोल सकती हूँ दैट यहाँ पर बहुत ही लो प्रेशर होगा, राइट. तो लो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा तो हमने गैस को बाहर निकाल दिया, तो यार प्रेशर आएगा कहाँ से, राइट, परफेक्ट. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह से दो प्लेट्स ली और उसको एक बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया. हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करके बोला कि ये नेगेटिव टर्मिनल से है तो ये कैथोड हो गया और ये उनका एनोड हो गया.
फिर उन्होंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि सीधा यही एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ना यार, लेकिन फिर इवेंचुअली जिससे आपके रिजल्ट्स आते हैं आप बुक्स में तो सिर्फ वही लिखोगे, राइट? तो फिर इसलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने को मिलता है। पर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैम उन्हें कैसे पता था, उन्होंने सीधा यहीं पर क्यों स्क्रीन रखी, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन माइंड में मत लाना, बिकॉज उन्होंने वो भी ट्राई किया होगा, उन्होंने यहाँ भी स्क्रीन रखी होगी, हर तरह से ट्राई किया, बट फाइनल रिजल्ट्स यहाँ से आए थे, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहां पर उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जाकर टकराता है तो एक स्पार्क डेवलप होता है। तो ये आप अपने पास लिख भी सकते हो, दैट फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज द स्क्रीन वेयर, फ्लोरोसेंट स्क्रीन इज द स्क्रीन वेयर व्हेन अ चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्क्रीन, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक्स द फ्लोरोसेंट स्क्रीन अ स्पार्क ऑफ लाइट इज शोन, a spark of light is shown. तो एक spark of light हमें दिखता है, clear है? Yes. तो अब यहाँ से क्या किया उन्होंने? यहाँ से उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा high voltage दी। तो यार जब भी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा high voltage दी जाती है, तो क्या होता है? अब ध्यान से देखो, मान लो कि आपके पास में एक atom है, ये erase कर दो, ये मैं erase कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा clear हो जाए। ये तो आपने लिख ही लिया होगा। अब यहां पर क्या है, ध्यान से देखो, ये आपका एटम है, ठीक है? इस एटम में अब तो हमें पता है कि यहां न्यूक्लियस होता है, राइट? और यहां पर इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं अज्यूम कर रही हूं अभी एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके और इसके बीच में, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, राइट? अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर लाना है, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर लेके जाना है, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज दूंगी तभी तो इस पावर को मैं तोड़ सकती हूँ और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर जा सकती हूँ, राइट? तो इसलिए यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज जो है वो दी गई, ताकि जो भी गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। आयनाइज होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाती है तो गैस आयनाइज हो जाती है। तो आप अपने पास आयनाइज का मतलब लिख सकते हो, जिसको हम और ज्यादा अच्छे से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। अ गैस बींग आयनाइज, अ गैस बींग आयनाइज मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट गैस, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट गैस, ठीक है? तो अब यहां से जब मैंने इसको आयनाइज कर दिया तो मेरे पास पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, राइट? प्लस मेरे पास इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? हो ही रही है, परफेक्ट। अब आप यहां पर क्या देख रहे हो, इसलिए मुझे हाई वोल्टेज की जरूरत थी। अब जो भी गैस है, लेट अस से कि मेरे पास H2 गैस है, अगर मेरे पास H2 गैस है और मैं हाई वोल्टेज अप्लाई कर रही हूँ, तो H2 गैस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, H2 गैस आयनाइज हो जाएगी, H2 गैस आयनाइजेस, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो अगर वो आयनाइज हो रही है, इसका मतलब है कि H2 जो है वो H2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में जा रही होगी, है ना? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट H2 प्लस और इलेक्ट्रॉन में जा रही है। सिमिलरली अगर मेरे पास O2 गैस होती तो वो O2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में जाती। सिमिलरली अगर मेरे पास CO2 गैस होती तो CO2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में जाती। यानी कि चाहे कोई भी गैस हो, इलेक्ट्रॉन तो है ही इलेक्ट्रॉन, वो रिमूव हो जाएगा, राइट? अब आप यहाँ पर देखो कि ये जो गैसेस हैं, अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे यहाँ पर जो ये आयनाइज हो रही है वो एक्चुअली यहाँ हो रही है, राइट? तो यानी कि H2 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इस पर हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो जो भी यहाँ पर गैसेस हैं वो उस तरह से आयनाइज होती हैं और जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे? एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है ना, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, राइट? तो यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधा सीधा इधर जाते रहेंगे, राइट? अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, राइट? तो ये जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल जब इसमें से जाएगा और फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर टच करेगा तो क्या होगा, लाइट आएगी, राइट? तो यानी कि यहां से थॉमसन को पता लग गया
कि जब भी मैं किसी हाई वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो यार कोई चीज़ है जो चार्ज है, जिसका कुछ चार्ज है और वो आकर इसके ऊपर स्ट्राइक करती है। फिर उसने कहा कि चार्ज है, लेकिन क्या कौन सा चार्ज है, प्लस है कि माइनस है, वो उसको नहीं समझ आ रहा था। फिर उसने देखा कि अगर एनोड की तरफ आ रहा है चार्ज, तो यानी कि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके पास तो नेगेटिव चार्ज वाली ही चीज आएगी ना, अगर पॉजिटिव आता तो रिपेल कर जाता, राइट। तो फिर उससे इसने ये एनालाइज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर उसने बहुत सारी कैलकुलेशंस की और वो क्या फाइंड आउट कर पाया, ई बाय एम रेशियो फाइंड आउट कर पाया इनका, ठीक है। तो थॉमसन ने ई बाय एम रेशियो फाइंड आउट किया बाय द कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। अब आपको एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर समझाती हूँ कि यार उसने ऐसा नहीं था कि सारी गैसेस एक साथ ही ली थी, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिया। उसने ना डिफरेंट गैसेस के साथ उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट बार बार अलग अलग गैसेस के साथ उसने एक्सपेरिमेंट किया, और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो देख रहा था कि E by M रेशियो जो है वो हर केस में सेम आ रहा है, हर केस में E by M रेशियो उसका सेम ही आ रहा था। तो उससे उसे एक और चीज पता चल गई कि यार जो भी है, जो भी ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है यहाँ पर, वो ना गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि मेरे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका E by M रेशियो हर बार सेम है। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दैट जो भी ये चार्ज पार्टिकल था वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। अब उसने क्या कहा कि यार कैथोड से एनोड की तरफ ये रेज जो थी वो जा रही थी। अब इनिशियली तो उसको यही लग रहा था कि लाइट है, क्योंकि इतनी स्पीड से मूव कर रही थी, इसलिए उसने उसको एक रे का नाम दे दिया, और क्योंकि कैथोड की साइड से एनोड पे जा रही थी इसलिए उसने उसको कैथोड रे बोल दिया, राइट। जो बाद में जाके हमें समझ आया कि ठीक है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स थे, वो रे नहीं थी, क्लियर है, यस। तो यहां से हमें उसने कैथोड रे नाम भी दे दिया। तो जब भी कैथोड रे बोला जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यही एक्सपेरिमेंट था आपका, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। इसके सारे पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है, अभी सिर्फ समझना है। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या किया उन्होंने। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उन्होंने ट्राई किया कि मैं मैक्सिमम प्रेशर कम ही रखूं, बहुत ही कम, बेसिकली 0.09 mm, कुछ बहुत ही कम प्रेशर उन्होंने ट्राई किया। अब उन्होंने अलग अलग गैसेस लेके ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि जब भी मैं हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तब इलेक्ट्रॉन्स है। वो देख रहे थे कि जब वो ऐसे स्ट्राइक करती हैं तो सबसे पहले तो उनको पता लग रहा था कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, सीधा सीधा मूव कर रही हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब ही मैं इसको स्ट्राइक करवाता हूँ तो क्या होता है, ये पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना, इसके ऊपर स्पार्क आता है। इसका मतलब है कि अगर इस साइड से एनोड की तरफ कोई चीज आ रही है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है तो जो चीज आ रही है वो नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए, यस, पहली बात उन्हें पता लगी। दूसरा उन्हें पता लगा कि स्ट्रेट लाइन में आ रही है, क्योंकि हर बार यहीं पे सीधी सीधी स्ट्राइक्स हो रही थी, राइट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो रहा था, परफेक्ट। तो फिर उन्होंने कहा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, अब क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था तो उन्होंने कह दिया कैथोड रे है। उसके बाद में उन्होंने अलग अलग गैसेस लेकर यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन हर बार जो E by M रेशियो था वो सेम आ रहा था। तो उससे उन्होंने ये एनालाइज कर लिया कि जो भी ये रे है वो मास पे, वो कौन सी गैस है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। और बात भी सही है यार, इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है, अगर हम देखें तो हर केस में एक इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज सेम ही होता है और उसका मास भी सेम होता है, यानी कि वो E by M रेशियो है, राइट, और वो सेम रहेगा हर केस में। यहां से उन्होंने E by M रेशियो हमें कैलकुलेट करके सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दे दिया, राइट। नेक्स्ट, अब अगर उन्हें ये पता है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है,
फिर उन्होंने क्या किया, और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये किस तरफ जा रही थी, पॉजिटिव वाले की साइड की तरफ जा रही थी, और हमें पता भी था कि ये ऐसा ही होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से भी उसने हमें यही शो कराया कि जो भी चार्ज्ड पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है और वो इन फील्ड्स के अंदर डिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ये न्यूट्रल होता तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर पार्टिकल को पास कराते तो फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि इट इज अ चार्ज पार्टिकल, राइट। तो ये इतनी सारी चीजें उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करी थी, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स को लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो यार पहले ये पार्ट लिख लो आप अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद में मैं आपको क्या कराऊंगी, इसको टाइप करवा दूंगी, मतलब लिखवा दूंगी, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम लिखते हैं इस चीज को, ठीक है। ये लिख लिया आपने, आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वापस से बैक में जाके इसको लिख लो, क्योंकि अब मैम आपको पॉइंट्स लिखवा रही हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, चलो फर्स्ट पॉइंट कहता है दैट कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो कैथोड रे मैं लिख देती हूँ, कैथोड रे स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड ends at anode, समझ आ गया। negatively charged है तो बिल्कुल सही point है, right? Second point क्या हो जाएगा? Second point हो जाएगा that these rays are invisible but cause fluorescent material to grow when hit by them, ठीक है। तो ये gas, ये these rays are invisible, ये invisible है but they make fluorescent screen glow, ठीक है। वो fluorescent screen को glow करती है जब उसके ऊपर strike करती है, ठीक है। Third point लिखते हैं, third point क्या कहता है, third point कहता है that in the absence of electric and magnetic field these ray travels in the straight line, बिल्कुल। अगर in absence of इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दूं, समझ आ जाएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख रही हूं MF, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये तो मैम ने बताया ही आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती तो फिर तो ये चार्ज है ना तो डिफ्लेक्ट हो जाती, अगर न्यूट्रल होती तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज कास्ट शैडोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स पाथ एंड प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑन अ स्मॉल पेडल शीट व्हील। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप समझ लो इस पॉइंट को और लिख लो, अगर लिखना है तो बहुत टाइम लग रहा है तो आई विल डिक्टेट यू, दैट इज बेटर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर अगर आपने ये स्क्रीन रखी हुई है तो कैसा होगा कि मान लो ये स्क्रीन है, क्योंकि ये एक पार्टिकल है तो जब यहाँ से अगर मान लो लाइट डालोगे ना तो यहाँ पर शैडो आ जाएगी इसकी, राइट। तो शैडो आ रही है यानी कि ये एक पार्टिकल है, ये एक रे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसे बोल दिया कि दैट इट कास्ट शैडो, आप लिख सकते हो, सिंपल लिख सकते हो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, ठीक है। जो कैथोड रेज आई हैं वो पार्टिकल है क्योंकि वो कास्ट करती हैं शैडो, नॉर्मल चीज है, इसमें एज सच बहुत एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट नहीं था, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर देती हूं, कैथोड रेज कास्ट शैडोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in its path and produces mechanical effects on a small pedal wheel ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स, आप लिख लो, मैम सिर्फ डिक्टेट कर रही हैं। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होते हैं ये,
एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है? यस. नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड के नेचर पे नहीं डिपेंड करता है और द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इट ये हम बात कर चुके हैं कि आप H2 ले लो, CO2 ले लो, कोई भी गैस ले लो, उसके नेचर पे वो डिपेंड नहीं करती हैं. क्लियर है? परफेक्ट. तो ये पॉइंट हो चुका है. नेक्स्ट लिखते हैं, कैथोड रेज हैव चार्ज टू मास रेशियो विच इज यूनिवर्सल कांस्टेंट और जो रेशियो है वो क्या है, E by M is equal to 1.76 into 10 raised to the power 11 कूलॉम होगा, राइट, पर केजी. ठीक है, तो ये जो है ये इनका चार्ज टू मास रेशियो है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट ही तो होगा. यस, तो E by M रेशियो जो आया वो आया 1.76 into 10 raised to the power 11 कूलॉम्ब पर केजी. क्लियर है? परफेक्ट. तो यहां पर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट